हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के बैक साइड में गले की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे हम कैनवास पेपर पे गले की कटिंग करते हैं, तो इससे पहले हमें पेपर के ऊपर कटिंग करके फिर हमें कैनवास पेपर के ऊपर कटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम गले की एक डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे जो भी गले की डिज़ाइन बनानी होगी तो आपको पेपर के ऊपर पहले कट करनी है, उसके बाद आपको कैनवास पेपर के ऊपर बनानी है। तो क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे हमारा जो गले की लंबाई है, सॉरी चौड़ाई जो है, गले की पहली चौड़ाई लेनी पड़ती है। तो जैसे 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है, तो यहाँ पे हमें गले की लंबाई लेनी है। जब हम गले की लंबाई लेते हैं तो आपको कैसा गला बनाना है, जैसे पैच वाला गला बनाना है या सिंपल गला बनाना है, तो आप जितना सिंपल गला बनाना चाहते हैं तो आपको जितनी गले की लेंथ होगी उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो आपको पैच वाला गला बनाना है तो आपका कितना पैच जो है वो किस तरीके का है, जैसे 2 इंच का है, 3 इंच का है, कितना है, उतना आपको ज़्यादा ये उसकी लंबाई लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें 10 इंच लिया है, तैयार गला हमें 10 इंच चाहिए, तो हमने 10.5 इंच लिया है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। अभी यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे गले की मार्किंग करनी है। इस तरह से हम 2.5 इंच पे गले की मार्किंग करते हैं और यहाँ पे हमें इसका एक बॉक्स बनाते हैं। अब जो भी गले की डिज़ाइन होगी आपकी वो आपको बनानी है। तो जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं या ब्लाउज़ का बैक साइड का नेक बनाते हैं, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच जो चौड़ाई लेते हैं, तो ये 2.5 इंच में हमें गला नहीं बिठाना, उसके आगे 1 या 1.5 इंच आपको लेना है। ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप 1/2 इंच ले लो, ज़्यादा थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच, मीडियम साइज़ का चाहिए तो आप 1 इंच ले लो, और ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आपको 1.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे आपको ये 2.5 इंच में से निकाल के ये 2.5 इंच में नीचे के साइड में आपको ज्वाइन करना है, लेकिन बीच में आपको ये जो ब्रॉडनेस है ये बढ़ानी है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे 1 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 1 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से इसको ज्वाइन करते हैं, और जो 2.5 इंच में हमने लिया है 2.5 इंच, इसमें से ये गले का शेप निकाल के इस तरह से इसमें ज्वाइन करेंगे। जैसे और भी थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड ले सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड शेप देते हैं इस तरह से। तब यहाँ पे हमें गले की कटिंग करनी है। तो हमें क्या करना है, जैसे बाहर के साइड में हमें 1/2 या 1 इंच छोड़ के इसे पहले इस साइड से कटिंग करनी है, इस तरह से इसको कट करना है। यहाँ पे जो राउंड शेप हमने दिया है उसको कट करेंगे, और जो बाहर के साइड में हमने जो राउंड शेप दिया है उसको कट कर लेते हैं, और ये 2.5 इंच में हम इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये इस तरह से सिंपल सा गला आपको बना के दिखाया है। आप चाहे तो इसको पैच वाला गला भी बना सकते हैं। आपको पैच वाला गला नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इस तरह से डोरी भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ इस साइड में 2 या 3 डोरी और इस साइड में आपको 2 या 3 डोरी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल सा नेक तैयार करके दिखाया है। तो आप जो छोटा इसमें से छोटा जो नेक है इसमें आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर के साइड में राउंड शेप का गला लेके फिर बीच में आपको इस तरह से ये गले की डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिंपल गले की डिज़ाइन बना के दिखाई है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।